ये कहानी है एक ऐसी एंटिक शॉप की जो आपको ज़िंदगी भी दे सकती है और मौत भी। ये एक ऐसी एंटिक शॉप है जिसमें आपको हज़ारों साल पुराने सामान मिल जाएंगे। इस मूवी का नाम है एंटिक शॉप। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक एंटिक शॉप को देखते हैं जिसका ओनर एक ओल्ड मैन होता है, और तभी उसके पास एडवर्ड नाम का एक आदमी आता है जो वहाँ पर एक ओल्ड मिरर को देखता है जो कि काफ़ी पुराना होता है और इसीलिए उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन एडवर्ड शॉपकीपर से कहता है कि ये मिरर नकली है और वो कहता है कि इसकी इतनी कीमत नहीं है, और एडवर्ड उस शीशे के काफ़ी कम पैसे देकर चला जाता है। अब ओनर ना चाहते हुए भी उस शीशे को बेच देता है, वो भी कम पैसों में ही। हालांकि वो इससे काफ़ी दुखी था बट वो फिर भी उसे बेच ही देता है। अब घर आकर एडवर्ड काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके पास सदियों पुराना शीशा आ गया था, और इस बात से उसके दोस्त भी काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड की एक फ्रेंड कहती है कि कहते हैं कि पुराने शीशों ने बहुत सारा समय देखा होता है, और जो इतने साल पुराने शीशे होते हैं उनके अंदर आत्माएं बसती हैं, और शायद हमें उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और एडवर्ड को भी ये प्लान काफ़ी अच्छा लगता है, और वो अब अपने कमरे में जाकर आत्माओं को बुलाने लगता है, और जल्दी कोई आत्मा वहाँ पर आ भी जाती है, और उस मिरर के अंदर हमें एक ओल्ड मैन नज़र आता है। और इसी के साथ तभी एडवर्ड बेहोश हो जाता है और वह पहुँच जाता है एक अलग ही दुनिया में जहाँ पर उसे एक शैतान दिखता है जो कि वहाँ पर उसे एक चाकू मार देती है। लेकिन तभी एडवर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि ये एक सपना था, जिसके बाद उसके सारे दोस्त घर से चले जाते हैं और वो सो जाता है। लेकिन रात को उसकी नींद खुलती है और एडवर्ड देखता है कि शीशे के अंदर वही ओल्ड मैन खड़ा है जो कि उसे शीशे के अंदर बुला रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मुझे भूख लगी है। एडवर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे ह्यूमन बॉडीज चाहिए। और तभी एडवर्ड वहाँ पर अपनी एक फ्रेंड को लाता है, और अब वो आत्मा से कहती है कि इसे मार दो, और एडवर्ड उस लड़की को मार देता है। और तभी उसकी आँख फिर से खुलती है और उसे लगता है कि ये एक सपना है। लेकिन तभी वो आसपास काफ़ी सारा खून देखता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि ये सब तो सच था। और अब वो आत्मा से कहती है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें मुझे हर रोज़ एक बॉडी देनी होगी, और एडवर्ड भी ठीक ऐसा ही करता है। एडवर्ड हर रोज़ किसी न किसी अपने एक दोस्त को यहाँ पर लाता और आत्मा के सामने उसे मार देता। अब ऐसा करते करते उसे एक महीना बीत जाता है, और वो अब अपनी ऐसी ज़िंदगी की वजह से परेशान हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता होता भी नहीं है। अगर उसने उस आत्मा को एक बॉडी नहीं दी तो वो आत्मा उसे मार देगी। अब एक दिन एडवर्ड उससे पूछता है कि मुझे ये सब कब तक करना होगा। वो आत्मा कहती है कि कभी मैंने भी ये सब किया था जो तुम आज कर रहे हो, और तुम्हें ये तब तक करना होगा जब तक कि मैं इस मिरर से बाहर ना आ जाऊँ। और एडवर्ड भी इस बात को समझ पाता है कि हर दिन बीतने के साथ साथ ये आत्मा एक असली इंसान जैसी होती जा रही है, और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि एडवर्ड उसे हर रोज़ एक आत्मा दे रहा था जिनका ब्लड पीकर वो धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। और एडवर्ड की लाइफ धीरे धीरे घटती जा रही थी, और उसका शरीर भी अब जल्दी जल्दी से कमज़ोर होने लगता है। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया था, इसीलिए वो उस शीशे को तोड़ देता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, और वो उसे कहते हैं कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ रही है। लेकिन एडवर्ड उसे घर पर आने से मना करता है क्योंकि घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। लेकिन एकदम से वो और ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो टूटा हुआ मिरर फिर से जुड़ जाता है, यानी कि वो इस जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है, और वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। और जब उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो इससे नहीं बच सकता तो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुला लेता है ताकि वो उसे आज मार सके। लेकिन जैसे वो फ़ोन रखता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो सिर्फ एक ही है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो एडवर्ड अब आत्मा से कहता है कि इसे रहने दो, मैं इसके बदले किसी और को ले आऊँगा, और वो आत्मा इस बात पर मान जाती है। और एडवर्ड यहाँ पर अपना गेट खोलता ही नहीं है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि एडवर्ड घर पर नहीं है, और वो वापस चली जाती है। लेकिन तभी हम एडवर्ड के कमरे के नीचे रहने वाले एक आदमी को देखते हैं जो कि शांति से एक बुक पढ़ रहा था, और तभी उसकी बुक पर एक खून की बूंद गिरती है। लेकिन उसे यह लगता है कि ये पेंट है, और वो अब शिकायत करने के लिए एडवर्ड के पास जाता है। लेकिन एडवर्ड उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल करता है क्योंकि वो समझ गया था कि आज इसी का नंबर है, और आज के लिए उसे यहाँ पर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब एडवर्ड उसे मार देता है। और अब यहाँ पर हम घर की हालत को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हो चुकी थी, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड और बॉडीज ही बॉडीज होती हैं। और आज वो दिन आ ही गया होता है कि जब सारे सेक्रीफाइसेस पूरे हो चुके होते हैं और वो आत्मा शीशे से बाहर आ गई होती है। लेकिन अब भी वो आत्मा शीशे से दूर नहीं जा सकती है क्योंकि उस शीशे को एक नए होस्ट की ज़रूरत होती है, और वो नया होस्ट होगा एडवर्ड।
और एडवर्ड खुद ही अपना सेक्रीफाइस करके उस शीशे के अंदर चला जाता है। दरअसल ये एक ऐसा एंशिएंट मिरर होता है जिससे आप अमर बन सकते हैं। और अब इस बात को काफी समय बीत जाता है और इस मिरर के थ्रू एडवर्ड देखता रहता है कि यहाँ पर कई सारी फैमिलीज आती हैं, लेकिन एडवर्ड खुद से उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। जब तक वो लोग उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो एडवर्ड उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फाइनली 4 साल बाद वहाँ पर ऐसे ही कुछ दोस्त आए और उन्होंने भी एडवर्ड के दोस्तों की तरह ही इस शीशे की आत्माओं से बात करने की कोशिश की और तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और ठीक फिर से ऐसा ही सर्कल क्रिएट होने लगता है। और सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए थे और एडवर्ड भी ठीक नए होस्ट के साथ ऐसा ही करता है जैसा उस आत्मा ने एडवर्ड के साथ किया था। और 36 सेक्रीफाइस के बाद एडवर्ड भी इस मिरर से बाहर निकल जाएगा और अमर बन जाएगा, जिसके बाद हम फिर से उसी एंटिक शॉप को देखते हैं जहाँ पर विलियम नाम का लड़का उसी शॉप के अंदर आता है और वहाँ पर उसे एक काफी पुराना गेट पसंद आता है जिसका प्राइस शॉपकीपर 50 pounds बताता है, लेकिन विलियम कहता है कि मेरे पास सिर्फ 40 pounds ही हैं। तो इस पर शॉपकीपर कहता है कि कोई बात नहीं, आप गेट ले जा सकते हैं। और विलियम उस गेट को लेकर काफी खुश होता है क्योंकि वो हजारों साल पुराना गेट होता है। और विलियम उसे घर पर लाकर अपने एक अलमीरा के ऊपर लगा देता है, जो बात उसकी वाइफ को काफी अजीब लगती है। लेकिन विलियम को खुश देखकर रोजमेरी उससे कुछ नहीं कहती। अब रात को विलियम को उस दरवाजे में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो उसे खोलकर देखता है तो एक अलग ही दुनिया में होता है। वो देखता है कि सारी चीजें बदल चुकी हैं। वहां पर उसे एक आदमी की पेंटिंग मिलती है और ठीक सामने ही उसे एक और दरवाजा दिखता है जिसे अब कोई खोलने लगता है। और विलियम डरकर वापस अपने कमरे के अंदर आ जाता है और जब वो कमरे का दरवाजा दोबारा खोलता है तो वहां पर कुछ नहीं होता। अब अगले दिन वो इस बारे में रोजमेरी से बात करता है तो रोजमेरी इस बात पर विश्वास नहीं करती और अपने हस्बैंड से कहती है कि शायद तुम ज्यादा थक गए होंगे इसीलिए तुम्हें ये सब दिखा होगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। हालांकि विलियम इस बात पर पूरा श्योर होता है बट फिर से वो सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाता है। लेकिन रात को फिर से उसे गेट में से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो उसे खोलता है तो वो रूम उसे फिर से मिलता है और इस बार उसे वहां पर एक बुक मिलती है जिसे वहीं पर लगी तस्वीर वाले आदमी ने लिखा होता है। इस बुक में लिखा होता है कि ये दरवाजा सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग इसमें आए और हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएं और उनकी जिंदगी से मैं उम्र चुरा कर हमेशा के लिए जीता रहूं। और विलियम को भी इस बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि ये कोई आम दरवाजा तो था नहीं। और तभी सामने वाला दरवाजा खुलता है और हम वहां पर पेंटिंग वाले आदमी को देखते हैं जो कि अब विलियम की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखते ही विलियम जल्दी से बाहर आ जाता है और डर की वजह से वो दरवाजा भी बंद नहीं करता है। और जब वो यहाँ पर दोबारा अपनी वाइफ के साथ आता है तो वहां पर कोई भी रूम नहीं होता है और अब रोजमेरी के सामने वो एक झूठा साबित हो जाता है। लेकिन फिर भी विलियम कहता है कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता और वो रोजमेरी से कहता है कि जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही विलियम अपने घर का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो लॉक हो चुका है, जिसके बाद वो सारे गेट्स को देखता है जो कि सभी के सभी लॉक हो चुके थे। विलियम फोन करने की भी कोशिश करता है लेकिन फोन भी नहीं लगता है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि वो इस घर में अब फंस चुके हैं। और वहीं अब रोजमेरी इस गेट को अब खोल देती है क्योंकि वो एक टाइप से हिप्नोटाइज हो गई थी। और जब वहां पर विलियम आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ उस फोटो वाले आदमी के हाथों में है और अब विलियम एक कुल्हाड़ी की मदद से उस गेट को तोड़ने लगता है जिससे उस फोटो वाले आदमी को तकलीफ होने लगती है और उसका ये रूम तहस नहस होने लगता है, जिसके तुरंत बाद विलियम रोजमेरी को बचाने के लिए जाता है। लेकिन वो फोटो वाला आदमी अब विलियम को पकड़ लेता है और तभी रोजमेरी भी जाग जाती है और यहाँ पर विलियम उसे कहता है कि जल्दी से दरवाजे पर अटैक करो और रोजमेरी भी ठीक ऐसा ही करती है। रोजमेरी कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजे को तोड़ने लगती है जिससे उस आदमी का बहुत बुरा हाल हो जाता है और अब विलियम उस दरवाजे को अपने घर से अलग कर देता है जिससे वो फोटो वाला आदमी अब पूरी तरीके से मर जाता है और उसकी उम्र जिस जिससे भी उसने ली थी वो सभी घट जाती है और वो जल्दी ही धूल बन जाता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद हम फिर से उसी एंटिक शॉप को देखते हैं जिसके बाहर एक चोर खड़ा होता है और वो उसी ओल्ड मैन के पास जाता है और उससे गन्स मांगता है और ओल्ड मैन उसे 2 antique guns दिखाता है और वो आदमी वो गन्स उसी ओल्ड मैन के ऊपर तान देता है और उस ओल्ड मैन को कहता है कि सारा माल मुझे दे दो। लेकिन ओल्ड मैन इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जिसके बाद वो आदमी उस ओल्ड मैन को शूट कर देता है, लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से वो आदमी अब बहुत ज्यादा डरने लगता है और गलती से एक कॉफिन के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद वो कॉफिन बंद हो जाता है। और अब वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे पास हजारों साल पुराने एंटिक सामान है जो आपको जिंदगी और मौत
दोनों दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हर एक खरीद पर एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, बशर्ते आप उस सामान के पैसे पूरे दें। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी एंटीक शॉप मूवी की कहानी। दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।